मैंने एक कविता लिखी है जो जिसमें तीन चीजें मैंने जोड़ा है। एक चीज है तो मैं जिंदा क्यों हूँ, कैसे जिंदा हूँ मैं। जी दूसरा है कि मैं कौन हूँ, जी ये उसमें पहचानना। और तीसरा, जब मैं जो हूँ अगर मैं पहचान गया, ठीक है, तो मुझे किस चीज का जी सहारा लेना है। तो जैसे मैं योग ध्यान को थोड़ा सा उसमें उस कविता में लाया हूँ, और उसके बाद अगर मैं थोड़ा जी एक सर गीता का ज्ञान उसमें डाल दिया हूँ उस लाइन में, कि अगर उसको आप लेके आगे बढ़ते हैं जी तो आप फिर कहाँ जाएंगे, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि हम कहाँ पहुंच गए। तो वो कविता ऐसी है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, तू माने सब लोग, एवरीबॉडी, जी इस जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है। इन दो लाइनों में ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं क्यों जीवित हूँ। हर आदमी आज श्वास, आज पूरा कोविड सबके श्वास के लिए आफत लेके आया हुआ है, ठीक है। जी तो पहली बात तो श्वास बहुत जरूरी है, इसलिए हम जिंदा हैं। दूसरी लाइन ये कह रही है कि हम इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है, उड़ता हुआ परिंदा है। परिंदा कौन होता है? कहीं भी जाए, जहां मन करे उसकी इच्छा हो, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसको फ्लाई करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेगा। तो उसके बाद फिर जो लाइनें आ रही हैं उसका भी अपना मतलब है, बताते रहेंगे हम। जी तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है, इस जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है। घर, घर मीन्स अगर, घर तू अपनी इन श्वासों को ध्यान से दे। ये ध्यान की चीज है, साधना। घर तू जी अपनी इन सांसों को ध्यान से दे, तब तू समझेगा कि तू खुदा का बंदा है, तब तू समझेगा कि तू खुदा का बंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है। तो अब जो बाद की दो लाइनें आई उसमें ध्यान की बात आई, और जब ध्यान जो करता है तो उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी आती है। जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो एहसास होता है कि नहीं, जो कहा जाता है कि हर मन में, हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर वास करते हैं, वो वाली फीलिंग आती है। तो इन चार लाइनों का मतलब ये है। उसके बाद, गर तू खुदा का बंदा है तो किस बात की चिंता है, अगर तू खुदा का बंदा है तो किस बात की चिंता है, तू कर्म कर, तू कर्म कर, आगे बढ़, फल की चिंता छोड़ दे। तू कर्म कर, आगे बढ़, फल की चिंता छोड़ दे, एक दिन पाएगा तू, एक दिन पाएगा तू इस जहां में सबसे बड़ा मानिंदा है, तेरी सांस है इसलिए तू जिंदा है।
जहां में तू एक उड़ता हुआ परिंदा है, तेरी सांस है। तो सारा निचोड़ इसमें मैंने डाला है इस चार पांच लाइनों में कि अगर आप कर्म करिए, आगे बढ़िए, पूरा गीता का ज्ञान है तो आप एक दिन देखेंगे कि भाई आप सच्चे राह पे हैं। आप खुशी के बारे में कुछ निगेटिव सोच रहे हैं, देखेंगे कि आप जहाँ पे हैं और उससे बड़ा कोई सम्मानीय स्थान कोई नहीं हो सकता है। एक दिन पाएगा तू कि तू सबसे बड़ा मानिंदा है। किस कंडीशन में आपने ध्यान साधना को कुछ रखा, कर्म किया, फल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा, कर्म करते गए। तो गीता तो यही कहता है, पूरा गीता।